वालेकुम, कैसे हो? ठीक है। हाउ टू मेक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर इन एडोब फोटोशॉप 7.0। पासपोर्ट साइज़ तस्वीर कैसे बनाएं एडोब फोटोशॉप के अंदर, उसकी कंप्लीट सेटिंग में इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं बनाकर बताऊंगा। और वीडियो को लाजमी वॉच कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वेट टेक, चलते हम स्क्रीन की तरफ। यहाँ से हम एक पिक्चर को ड्रा कर लें। स्क्रीन पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से हम कंट्रोल भी वो भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पिक्चर को बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर जो भी हमें अच्छा लगे वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड को। फिर यहाँ से कीबोर्ड से हम कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर लेंगे, हमारा बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, यहाँ पे इमेज क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे ऑटोमेट, यहाँ पे कर। कीबोर्ड से हम कंट्रोल एम भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ब्राइटनेस ज़्यादा करते हैं। ठीक है, पिक्चर की ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड से हम कंट्रोल एम भी प्रेस कर सकते हैं और इमेज में वहाँ पर जा, यहाँ पे ओके। ठीक है, ब्राइटनेस कंट्रोल एम से होता है और कंट्रोल एल से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल एम और कंट्रोल एल। यहाँ से हम पिक्चर को क्रॉप करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पिक्चर को क्रॉप करके फिर इंटर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम विड्थ और हाइट यहाँ से हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से विड्थ 1.4 भी दे सकते हैं और हाइट 2.1, 1.6 ऐसे भी दे। रेजोल्यूशन हम 300 करते हैं, 300 रेजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ से जूम कम कर सकते हैं। जूम कंट्रोल माइनस से भी कम होता है और कंट्रोल प्लस से जूम ज़्यादा होता है। ठीक है, कीबोर्ड से यहाँ से फिर क्रॉप करते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर कर पे क्लिक कर थोड़ा इसकी ब्राइटनेस चेक करते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस कम करते हैं। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस यहाँ से हम कम करते हैं। ओके, या मूव टूल पर क्लिक कर लेंगे, या फिर कंट्रोल ए कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, या फिर अगर हम साइज कम करें कंट्रोल टी कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे, या से हम साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम कंट्रोल टी प्रेस कर लेंगे, या पर हम साइज वगैरह यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई,
फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे। या हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस कर लेंगे, साइड पे हम बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सेलेक्ट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेंगे, बॉर्डर बॉर्डर यहाँ पे 19 दे देंगे, ठीक है। अठारह 18 भी दे सकते हैं, 19 भी दे सकते हैं, 20 तक भी दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 19 देते हैं, यहाँ पे ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कीबोर्ड से हम डिलीट के बटन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कलर देंगे बॉर्डर को वाइट कलर, ठीक है। जो कलर आपको अच्छा लगे, यहाँ से येलो कलर भी दे सकते हैं, रेड भी दे सकते हैं। हम यहाँ कीबोर्ड से हम यहाँ से वाइट कलर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर को हम यहाँ पे ओके करें, यहाँ से कीबोर्ड हम प्रेस कर लेंगे डिलीट का बटन, ठीक है। यहाँ से हमने डिलीट का बटन प्रेस किया। सेलेक्ट ख़त्म करने के लिए शॉर्टकट इसकी है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी हमने किया, सेलेक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। कीबोर्ड से हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू फोर फाइव सिक्स या पे रेजोल्यूशन 300 कर लेंगे, या पे लैंडस्केप में कर देंगे, ठीक है। या पे 90। अब हम पासपोर्ट साइज पिक्चर कैसे करते हैं, या पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, लिखेंगे ओके कर देंगे, ठीक है। एडिट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे फेल्स पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला जो पिक्चर हमने दिया था 1 2 3 के नाम से, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके पे क्लिक, हमारे ये पासपोर्ट साइज पिक्चर सेट हो गया, ठीक है। ऐसे हम एडोब शॉप के अंदर पासपोर्ट साइज पिक्चर सेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने सेटिंग कर दी, और एडोब शॉप में भी मैंने सेटिंग कर दी। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो एडोब शॉप कोरल ड्रा और एक्सेल पावर पॉइंट इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी वीडियो अपलोड कर दूंगा।